स्टूडेंट्स, आपको बंगले टेबल टू सिखाए थे। आप सभी को याद होगी, टू और थ्री दोनों हो गए टेबल। वो तो आपको टाइम लगेगा, याद भी ना पाएगा, तो याद होने जो है याद आने के लिए टाइम लगेगा। अभी आप एक देखने, अभी मैं जो मॉडल बताते ना आपको सेमेस्टर में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इसको याद करना है घर पर। टू का टेबल का करवाओगे, अभी टू का टेबल आपको याद है, टू वन सर टू 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 सर फोर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना, बीच में से फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ऐसा लगातार लिखने के लिए टू नहीं तो थ्री का टेबल आएंगे, फिर उसके साथ उसमें से क्वेश्चन भी आएंगे, वो आपको हमें समझाऊंगा। इसे टेबल अभी नहीं लिख रहे, मैं टेबल पहले वीडियो दिए थे क्लास में भी, आप मॉडल क्वेश्चन लिखवाएंगे कॉपी में, बाद में उसके साथ में लिखवाएंगे टेबल। अभी आप देखिए बोर्ड में, देखो टू डैश, आपको बॉल ऐसा बीच में से आपको बोलने के लिए अभी याद नहीं हो गया होगा। टू वन सर टू, टू टू सर फोर, टू थ्री सर सिक्स। आपको ऐसा बीच में लिखने के लिए क्या करना है, टेबल बाई हैंड बॉल 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 के आपको याद करना है। लिख करना में आपको दिक्कत है, बोलने के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि यार टू थ्री सर आपको फटाफट बोल सकता है। सिक्स अगर बाई हैंड आप याद करता है तो आपको सिक्स लिखना है, टू थ्री सर सिक्स। बीच में से ऐसा लगातार नहीं, फिर देखिए टू वन सर, सबसे पहले वाले टू वन सर टू, टू वन सर टू, टू फोर सर, इधर मैंने लाइन जोड़ दी, नीचे तक आपको दिख रहे नहीं, टू फोर सर एट, टू फोर सर एट। ऐसा मैंने इधर जो लिखा वो केवल वही, कौन सा भी नंबर ऐसा आ सकता है बीच में से। टू का टेबल में से भी पूछेगा और थ्री का टेबल में से भी आपको बीच में से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा जरूर, वो आपको याद करना है घर पे। टू थ्री सर सिक्स, टू फोर सर एट, टू वन सर टू, टू फाइव सर, टू फाइव सर। आपको अगर ऐसे एकदम बोलने नहीं आता तो आप शुरू से बोल के देखना, टू वन सर टू, टू टू सर फोर, टू थ्री सर सिक्स, टू फोर सर एट, फिर टू फाइव सर टेन। ऐसा बोल के आप लिख सकते हैं, टू फाइव सर टेन। मैंने एग्जाम में वीडियो में दे रहे हैं आपको, ऐसा प्लस माइनस में लास्ट महीने में आएगा शायद, किताब में मैंने अभी देखा नहीं है। ये इंटू वाला आपको याद रखने, फर्स्ट में आपको प्लस माइनस ए इंटू, ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर मैथ्स में, इसलिए हम अभी से टू और थ्री का टेबल अभी याद कर लो। फोर और फाइव भी है वो तो अभी नहीं, एग्जाम के बाद है। टू वन सर टू, थ्री सर सिक्स, टू फोर सर एट, टू वन सर टू, टू फाइव सर टेन। अभी आप देखो टू सेवन सर, आपको एकदम अगर फोर्टी लिखने नहीं आता है तो आप शुरू से फिर से बोल कर देखना है, ऐसे गोल बना बना के नहीं सीखना है। ये सभी बच्चे क्या पता वो तरीका मुझे नहीं मालूम, ऐसे गोल बना बना के गिन के लिखते वो तरीका मतलब गलत है, आपको बाई हैंड टेबल याद करना है। लेकिन मैंने पूरा नहीं लिखा, इतना टू का और थ्री का टेबल के बीच में से आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है। अभी थ्री के टेबल में से मैं नहीं करवा रही क्योंकि वो थोड़ा कठिन है, अभी आपको याद नहीं हो गया होगा, दूसरे वीडियो में दे दूंगी। फिर मैंने आपको क्लास में समझाए थे वन से टेन तक सबको मालूम है स्पेलिंग, वन टू टेन एग्जाम में सभी बच्चे ने लिखा है, सभी ने पूरा सही लिखा, एक दो मिस्टेक किसी बच्चे एक दो बच्चों का, बाकी सभी ने पूरा व्यवस्थित अच्छा लिखा। फिर मैं एक एक दिन इलेवन टू इलेवन से लेके आपको होमवर्क दिया था, इलेवन ट्वेल्व सिक्सटीन सेवनटीन तक हो गया, बाकी आपको ट्वेंटी तक घर पे करना है, उसके बाद ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये आपका होमवर्क है। वीडियो में आपका एक होमवर्क है ट्वेंटी, ट्वेंटी थर्टी फोर्टी में कैसे लिखना है, फोर यू नहीं चाहिए, यू हटा कर फोर एम लिखना है।
40 और 50। अगर आपको एक बार 20 का याद है तो 29 तक लिख सकता है, 29 तक, और 30 का याद है तो 30। ऐसे एक ही बार आपको याद, फिर 1 से 10 तक वैसे भी आपको याद है, वो काम आएगा आपको हमेशा। 20 के बाद 1, 21, 20 के बाद 2, 22, ऐसा लिख रहे हैं आपका होमवर्क है, पक्का करना। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।